तो किस तरीके से आप एक एंड्रॉयड ऐप क्रिएट कर कर गूगल एड मूव से मोनेटाइज कर सकते हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। सो गाइज, एक एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर इस वेबसाइट का यूज़ करने वाले हैं। तो वेबसाइट का नाम है FruitLab.io। FruitLab.io बेसिकली एक AI वेबसाइट है जिसकी मदद से हम यहाँ पर बिना कोडिंग के अपनी एंड्रॉयड ऐप क्रिएट कर सकते हैं। और इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो सिंपली आपको फ्रूट लैब के होम पेज को पर आना है। पहले आपको यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, साइन इन इसके ऊपर क्लिक कर देना है, क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा। अगर आपका गूगल के ऊपर अकाउंट है तो आप यहाँ पर सिंगल क्लिक में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर अपना नेम डालना है, ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है, क्रिएट अकाउंट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ईमेल आएगा जहाँ पर आपको अकाउंट वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। तो आपको वहाँ पर अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है और FruitLab.io के ऊपर पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एंड दोस्तों, जैसे ही आपका अकाउंट यहाँ पर क्रिएट होगा तो आपके सामने कुछ उस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब इसी के माध्यम से हम यहाँ पर अपनी एंड्रॉयड ऐप क्रिएट करने वाले हैं। तो पहले आपको यहाँ पर यह डिसाइड करना है कि आप किस टाइप की ऐप बनाना चाहते हैं। आप एक सोशल मीडिया ऐप बनाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर गेमिंग ऐप बनाना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पर एक जनरल ऐप बनाना चाहते हैं। पहले आपको डिसाइड करना है कैसी ऐप आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पर फूड एनर्जी कन्वर्टर की ऐप बनाना चाहता हूँ, जिसका मैंने यहाँ पर एक डेमो ओपन कर रखा है। बेसिकली मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट का डेमो ओपन कर रखा है, इसी को मैं यहाँ पर ऐप में चेंज करने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पर फूड एनर्जी कन्वर्टर जो कि ऐप यहाँ पर ऐसे दिखाई देती है, ऐसी मुझे यहाँ पर ऐप बनानी है। तो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर अपना नेम कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से मैं फूड एनर्जी कन्वर्टर के नेम को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अगेन आपको जाना फ्रूट लैब के ऊपर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट प्रोजेक्ट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपने प्रोजेक्ट नेम के अंदर अपनी ऐप का नेम रख देना है, देन क्रिएट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आएगा एंड यहाँ पर आपको यह वाला इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको अपनी ऐप के ऊपर क्लिक करना है, मीन्स आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने न्यू पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ऐप के लिए कोड क्रिएट करना है। ये बेसिकली एक फ्लूटर की वेबसाइट है, तो आपको यहाँ पर फ्लूटर में ही कोड क्रिएट करना है। तो फ्लूटर के अंदर कोड क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले चैट जीपीटी का। पर चैट जीपीटी का यूज़ करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ नेसेसरी सेटिंग्स को करना है। तो सबसे पहले आपको आना है यहाँ पर, आपको प्ले का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको यहाँ पर आना है, वेब इसके ऊपर क्लिक करना है, वेब इम्यूलेटर इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, बिल्ड प्रोजेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पर प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर बिल्ड हो रहा है तब तक हम यहाँ पर अपने कोड्स जनरेट कर लेते हैं। तो कोड्स जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले चैट जीपीटी का। तो सिंपली आपको जाना चैट जीपीटी के ऊपर और इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप चैट जीपीटी के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ उस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट को टाइप कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आई वॉन्ट टू क्रिएट ए फूड एनर्जी कन्वर्टर कैलकुलेटर, सो प्लीज़ राइट फ्लूटर कोड फॉर इट। ध्यान रखना आप यहाँ पर फ्लूटर कोड डालना है, नहीं तो यहाँ पर ये आपको कोई अन्य कोड बना कर देगा, क्योंकि तो वेबसाइट हमारी फ्लूटर कोड के ऊपर वर्क करती है, तो आपको यहाँ पर फ्लूटर कोड जरूर ऐड करना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चैट जीपीटी वर्क करना स्टार्ट कर देगा एंड आपके कोड्स यहाँ पर जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। तो यहाँ पर चैट जीपीटी वर्क कर रहा है और कोड्स आपके यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने फ्लूटर कोड्स को जनरेट कर लेना है। मैं अगेन फ्लूटर लैब के ऊपर जाऊँगा एंड यू कैन सी हमारे यहाँ पर डेमो वेबसाइट बनकर रेडी हो चुकी है। हमारे यहाँ पर जो ऐप है कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। ओके, अब मैं इसके अंदर कोड ऐड करूंगा तो मेरे यहाँ पर जो ऐप है वो ऑटोमेटिकली फूड एनर्जी कन्वर्टर ऐप के अंदर चेंज हो जाएगा। ओके, अब आपको यहाँ पर अपने कोड्स कैसे ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर लेता हूँ। अगेन मैं चैट जीपीटी के ऊपर जाता हूँ एंड देखता हूँ कि मेरे पूरे कोड्स यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। यस,
हमारे पूरे कोड्स यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ से आप उसको कॉपी करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इस प्रकार से एंड यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अगेन आपको फ्रूट लैब के ऊपर आना है, उसके बाद आपको जाना मेन डार्ट के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप उस कोड को डिलीट कर देना है। मैं से इसको डिलीट कर देता हूँ, जो कोड हमने चैट जीपीटी से कॉपी किया था उसको आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर उसको पेस्ट कर देना है। अब आपको यहाँ पर मैक्समस इमुलेटर इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको होट रिलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी, जो कि आपको यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में दिखाई देगी। तो हमारी ऐप यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। ओके, अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, कोई भी वैल्यू यहाँ पर डाल के देखता हूँ। जैसे कि मैं वैल्यू डालता हूँ 7, देन कन्वर्ट क्लोजुल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, हमें यहाँ पर वैल्यू बनाकर दे देगा। ओके, तो इस प्रकार से इसने यहाँ पर वैल्यू बनाकर दे दी है। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर 2400 डालता हूँ यहाँ पर वैल्यू, देन कन्वर्ट इन क्लोजुल्स इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी वैल्यू बनकर आ चुकी है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसने फूड एनर्जी कन्वर्टर बना दिया है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपना फूड एनर्जी कन्वर्टर बना लिया है। अब मुझे यहाँ पर अपनी ऐप को मोनेटाइज करना है। तो ऐप को मोनेटाइज करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं गूगल एडमोब का। अब आपको अपनी ऐप के अंदर कैसे गूगल एडमोब के कोड्स को ऐड करना है उसका प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कोड्स क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पर अगेन चैट जीपीटी का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो सिंपली आपको जाना है चैट जीपीटी के ऊपर एंड वहाँ पर आपको कुछ स्टेप से प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉम्प्ट क्रिएट कर रखा है एंड प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने क्या लिखा है, तो पहले मैं यहाँ थोड़ा इसको क्लोज कर लेता हूँ। ओके, एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपना प्रॉम्प्ट टाइप कर दूंगा एंड प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने लिखा है फूड एनर्जी कन्वर्टर नाउ प्लीज़ अप्लाई। यह मेरे फूड एनर्जी कन्वर्टर मेरी ऐप है और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, नाउ प्लीज़ अप्लाई बैनर एंड इंटरस्टेशियल एड्स इन दिस ऐप, बैनर एड्स आफ्टर 20 सेकंड्स एंड इंटरस्टेशियल एड्स अकॉर्डिंग टू यू। कि मैंने क्या कहा है, जो मेरे ऊपर कोड बने ना उसके अंदर आपको मेरे बैनर एड्स और इंटरस्टेशियल एड्स के लिए कोड्स को ऐड करना है ताकि यहाँ पर मैं अपने गूगल एडमोब के कोड्स को ऐड कर सकूँ। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कमांड को दे देना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब चैट जीपीटी यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा, वो सारे कोड्स को यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज कर देगा एंड यहाँ पर आपके जितने भी आप यहाँ पर अपनी ऐड यूनिट को ऐड करना चाहते हो उसके लिए यहाँ पर स्पेसेस बना देगा जहाँ पर आप अपनी ऐड यूनिट को ऐड कर सकते हो। तो आप यहाँ पर साफ देख सकते हो कि यहाँ पर चैट जीपीटी ने वर्क करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर आपके कोड को ऑटोमेटिकली चेंज कर रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर आपके कोड चेंज हो चुके हैं एंड यहाँ पर आप अपनी ऐड यूनिट को ऐड कर सकते हो। गूगल एडमोब पर जाना है, वहाँ से आपको अपनी ऐड यूनिट को क्रिएट करना है और जिसको आप यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप अपनी इंटरस्टेशियल की एड्स को ऐड कर सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पर क्या करा है, इस सारे कोड को यहाँ पर चेंज कर रहा है और यहाँ पर आप अपने कोड के अंदर अपनी ऐड वगैरह ऐड कर सकते हो। जब तक यहाँ पर कोड्स जनरेट हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पर गूगल एडमोब के माध्यम से अपनी ऐड यूनिट क्रिएट कर लेते हैं। तो अब सिंपली आपको गूगल एडमोब के ऊपर जाना है, गूगल एडमोब के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। और गूगल एडमोब के ऊपर कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कैसे आपको गूगल एडमोब के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लें उसके बाद आपको इसके होम पेज के ऊपर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ऐड ऐप इसके ऊपर क्लिक करना है और जो भी ऐप आपने यहाँ पर क्रिएट किया, जैसे कि यहाँ पर मैंने फूड कन्वर्टर की ऐप क्रिएट की है, उसको आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी ऐप को ओपन कर लेना है। जैसे ऐप आप यहाँ पर अपनी ऐप को ओपन करेंगे तो आपके सामने लेवल इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ऐड यूनिट को जनरेट करना है, तो ऐड यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको ऐड यूनिट इसके ऊपर क्लिक कर देना है, देन ऐड ऐड यूनिट इसके ऊपर क्लिक कर देना है, सेलेक्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपके सामने न्यू पेज आएगा। यहाँ पर आपको अपनी ऐड यूनिट का नेम डालना है, पार्टी मीटिंग को सेलेक्ट करना है, क्रिएट ऐड यूनिट इसके ऊपर क्लिक कर देना है, आपकी ऐड यूनिट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पर सारी ऐड यूनिट को क्रिएट कर लेना है जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर लिए। जैसे आप यहाँ पर अपनी ऐड यूनिट को क्रिएट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके कोड्स आ जाएंगे जिनको आपको अपने कोड्स के अंदर रिप्लेस कर देना है। अब कैसे रिप्लेस करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगेन हम चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे एंड यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने पूरे कोड को कॉपी कर लेंगे।
पर कॉपी करने से पहले आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको पैकेज का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ से आपको पैकेज इसको कॉपी कर लेना है। तो पहले मैं इसको थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी का ऑप्शन नज़र आएगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखता हूँ यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो आपको इसी को ओपन कर लेना है एंड यहाँ से आपको गूगल मोबाइल एड्स इसको चूज़ कर लेना है। यहाँ से मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ओके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगेन हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको पब कमांड्स का ऑप्शन नज़र आएगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, पब सर्च इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको उसको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है। सर्चिंग यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर आपको इसका पैकेज दिखाई देगा, आपको इसको ऑटो इंस्टॉल कर लेना है, पैकेज आपका यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। इतना काम आपको यहाँ पर करना है। अगेन आपको मेन डॉट इसके ऊपर क्लिक करना है, अगेन आपको चैट जीपीटी के ऊपर आना है एंड यहाँ से आपको सारे कोड्स को कॉपी कर लेना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा एंड इसको मैं यहाँ तक कॉपी करूँगा इस तरीके से। अगेन मैं यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं इस पूरे कोड को इससे रिप्लेस कर दूँगा। ओके तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपने कोड्स को रिप्लेस कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपनी एड यूनिट को ऐड करना है, तो मैं अगेन यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर पहले मैं बैनर एड्स को ढूंढता हूँ, तो यहाँ पर मैं बैनर एड्स को ढूंढने वाला हूँ। ओके तो हमें यहाँ पर मिल जाएगी हमारी बैनर एड्स, देखो तो यहाँ पर हमारी बैनर एड्स मिल चुकी हैं एंड यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है योर बैनर एड यूनिट आईडी हेयर। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ से मैं बैनर आईडी थी ना, ये बैनर आईडी है, इसके कोड्स को कॉपी कर लूँगा। अगेन मैं यहाँ पर आऊँगा एंड इसको मैं यहाँ पर इससे रिप्लेस कर दूँगा। ओके ये मैं आपको यहाँ पर डेमो के लिए बता रहा हूँ। ओके मैं यहाँ पर आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ, अभी तक मैंने इस ऐप के लिए अपनी एड यूनिट क्रिएट नहीं की है, यहाँ पर मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। पहले बता रहा हूँ यहाँ पर मैं दूसरी ऐप के कोड्स को यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ ओनली डेमो के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी तक इस ऐप के लिए अपनी एड यूनिट क्रिएट नहीं की है। तो उसके लिए मुझे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐप ओवर व्यू के ऊपर जाना पड़ेगा एंड सॉरी इसके ऊपर आना पड़ेगा, ऐप्स के ऊपर आना पड़ेगा एंड यहाँ से मुझे पहले ऐप क्रिएट करना पड़ेगा। पर मैं डेमो के लिए बता रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं दूसरी ऐप का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पर इस वाली ऐप का यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं इसके एडिट को यहाँ पर आपको कॉपी एंड पेस्ट कर दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होना कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं दूसरी ऐप के कोड्स को कॉपी एंड पेस्ट करके दिखा रहा हूँ, पर पहले आपको यहाँ पर अपनी ऐप्स को ऐड करना है, देन उसके बाद आपको जाना है एडिट के ऊपर, पहले ऐप को ओपन करके फिर एडिट पर जाना है, फिर एडिट जनरेट करना है, फिर उसी के कोड को आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है, ठीक है? समझ चुके आप? तो यहाँ से मैं अगेन क्या करूँगा, अपने बैनर यूनिट वाले ऐड को कॉपी कर लूँगा, अगेन यहाँ पर आऊँगा एंड यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। अगेन हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से हम इंटरनेशनल एड्स के एड यूनिट को कॉपी कर लेंगे। अगेन हम यहाँ पर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको इंटरनेशनल एड्स मिल जाएगी, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ से मैं अपनी एड यूनिट को कॉपी एंड पेस्ट कर दूँगा। ओके तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने अपनी एड यूनिट को भी ऐड कर दिया। ओके इतना काम करने के बाद अगेन आपको यहाँ पर आना है, मैक्सिमाइज इम्यूलेटर इसके ऊपर क्लिक कर देना है, फिर आपको अगेन यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा हॉट रीलोड का, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर जो ये टूल है यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा और इस कोड के अकॉर्डिंग आपका पूरा कोड यहाँ पर सेटअप कर देगा। कुछ ही सेकेंड्स का टाइम यहाँ पर जाएगा और आपकी ऐप के अंदर आपकी एड्स भी ऐड हो जाएंगे। ओके तो जैसे यहाँ पर हॉट रीलोडर कंप्लीट होता है और आपकी ऐप यहाँ पर परफेक्टली रेडी हो जाएगी, अब आपको ओनली उसको डाउनलोड करना है और उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर हॉट रीलोडर भी कंप्लीट हो चुका है और आपकी ऐप के अंदर नेसेसरी चेंजेस हो रहे हैं जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपनी ऐप को यहाँ पर अच्छे से बिल्ड कर लेना है और इसके अंदर आपको अपनी एड्स वगैरह को भी ऐड कर लेना है। उसका प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ओके तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ऐप को रेडी कर लेना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक स्टेप और कंप्लीट करना है, उसके बाद आपकी यहाँ पर कंप्लीट ऐप बनकर रेडी हो जाएगी। ओके तो यहाँ पर मेरी ऐप बनकर रेडी हो चुकी है। अभी आपको यहाँ पर ऐड दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर आप जब डाउनलोड होगी उसी के बाद ही, यहाँ पर जब भी डाउनलोड होगी और किसी भी मोबाइल के अंदर आप उसको इंस्टॉल करेंगे उसी के बाद ही यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई देगा। ओके तो यहाँ पर मैंने अपनी बेसिक ऐप क्रिएट कर लिया है। अब आपको यहाँ पर एक लास्ट स्टेप जरूर करना है, उसी के बाद ही आपकी ऐप के ऊपर एड्स दिखाई देंगे। तो लास्ट स्टेप में आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट स्टेप में आपको जाना है एंड्रॉयड के ऊपर एंड यहाँ पर आपको ऐप इसके ऊपर क्लिक कर देना है, फिर सोर्स इसके ऊपर क्लिक कर देना है, फिर डिबग इसके ऊपर क्लिक कर देना है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके जैसा आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको यूजर परमिशन का एक कोड दिखाई देगा, तो आपको इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपको मेन इसके ऊपर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको एंड्रॉइड मैनिफेस्टेशन इसका ऑप्शन नज़र आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, बॉटम में जाना है, मैनिफेस्ट के ऊपर आपको यहाँ पर इस कोड को कॉपी एंड पेस्ट कर देना है जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया। ओके उसके बाद आपको सेव चेंजेस इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपकी यहाँ पर क्या हो चुकी है,
पूरा का पूरा कोड यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, लास्ट स्टेप कंप्लीट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अपनी ऐप को कैसे डाउनलोड करना है उसका प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बिल्ड प्रोजेक्ट का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आपकी ऐप के बहुत सारे वर्जन्स मिल जाएंगे, जैसे कि मान लो आप यहाँ पर एंड्रॉयड x86, x64, एंड्रॉयड आर्म, एंड्रॉयड आर्म 64, किसी भी टाइप की एंड्रॉयड ऐप यहाँ पर आप डाउनलोड करना चाहते हैं आपको उसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ पर एंड्रॉयड ऑल इसको सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या होता है किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर चलना स्टार्ट हो जाता है। पर मैंने यहाँ पर अपने सारे अटैम्प्ट यूज़ कर लिए हैं तो मैं आपको यहाँ पर डाउनलोड करके नहीं दिखा सकता हूँ। फिर भी मैं यहाँ पर एक चांस ले लेता हूँ, क्या पता यहाँ पर डाउनलोड हो जाए, तो मैं यहाँ पर कोई सभी अन्य यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर उसको चूज़ कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको बिल्ड प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही सेकेंड्स में आपकी यहाँ पर ऐप बनकर रेडी हो जाएगी। जैसे ही आपकी ऐप यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी, देन उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो कुछ ही सेकंड्स का टाइम यहाँ पर बीत दो, उसके बाद हमारी ऐप यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। तो कुछ मिनट का वेट हमें यहाँ पर करना पड़ेगा और उसके बाद हमारी ऐप क्या हो जाएगी, यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। फिर उसको फाइनली आपको यहाँ पर क्या करना, डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको अपनी ऐप को फ्री के ट्रैफिक सोर्स के ऊपर प्रमोट करना है। और फ्री के ट्रैफिक सोर्स कहाँ से मिलेंगे उसकी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। फ्री के ट्रैफिक सोर्स आपको मिल जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट के ऊपर। सिंपली आपको हमारी प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है, आपको अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, उसके लिए आपको लैंडिंग पेज क्रिएट कर लेना है और उस लैंडिंग पेज को आपको फ्री के ट्रैफिक सोर्स को प्रमोट करना है और सारे फ्री के ट्रैफिक सोर्स आपको हमारे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। सिंपली आपको हमारे फ्री ट्रैफिक की प्लेलिस्ट के ऊपर जाना है, सारी वीडियोज़ को देख लेना है, बहुत सारे फ्री के ट्रैफिक सोर्स की आपको नॉलेज मिल जाएगी जिसके ऊपर आप अपनी ऐप के लैंडिंग पेज को प्रमोट करेंगे, आपके लैंडिंग पेज के ऊपर ट्रैफिक आएंगे जो डेफिनेटली आपके ऐप्स के ऊपर जाएंगे, आपके ऐप के इंस्टॉल बढ़ेंगे, बंदे आपकी ऐप्स को यूज़ करेंगे, वहाँ पर एड्स दिखाई देगी और इसके माध्यम से आप यहाँ पर अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर ये प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। पर जैसे यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट होगा तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं एक ऑप्शन और चेक करता हूँ, वेब रिलीज चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या ये यहाँ पर ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी हाँ मैंने स्टार्ट कर दिया है। कुछ सेकंड का टाइम यहाँ पर बीतेगा और यहाँ पर हमें पता लग जाएगा कि यार ये वाला प्रोसेस यहाँ पर होता है कि नहीं होता है। अगर ये वाला प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने दूसरा ऑप्शन चूज़ कर लिया है। ओके, इन चीज़ों के अंदर थोड़ा बहुत टाइम लगता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सब्र रखना है, तभी आप यहाँ पर एक प्रोफेशनल ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ ही सेकंड्स का टाइम यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर हमें डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो सिंपली आपको डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है और अपनी ऐप को डाउनलोड कर लेना। तो कुछ ही सेकंड्स का आप यहाँ पर वेट कर लो और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ सेकंड्स का वेट कर लेते हैं, तो हम कुछ सेकंड्स तक यहाँ पर वेट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। तब तक मैं आपको फ्री ट्रैफिक की थोड़ी और नॉलेज दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, हाँ यहाँ पर हो चुका है, ये देखो यहाँ पर हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारी ऐप यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। ओके, एंड यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन नजर आ रहा है, सिंपली आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपनी एपी को डाउनलोड कर लेना है जिसको आपको प्रमोट करना स्टार्ट कर देना है। और प्रमोट कैसे करना है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। सिंपली प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ, फ्री ट्रैफिक की प्लेलिस्ट को देखो एंड वहाँ से आप अपनी ऐप के ऊपर ट्रैफिक लेके आओ एंड वहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पर कर सकते हो, तो मैं आपको यहाँ पर कह रहा हूँ कि आप कोशिश करो, शायद आप यहाँ से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कैसे आपको अपनी ऐप क्रिएट करना है वो भी आपको समझ में होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स लेकें ताकि इसी टाइप का ओसम कंटेंट हम आपके साथ शेयर कर पाएँ।